1.23, ये कुछ ऐसा फील दे रहा है कि जैसा बैंड अभी बज जाएगा। तो ये है ब्लो पंक के दो तगड़े तगड़े पोर्टेबल स्पीकर। ये है एटोमिक BB25 जो कि 35 वोट के साथ 3999 की प्राइसिंग पे आता है, और ये है एटोमिक BB50 जो कि 50 वोट की पावर के साथ 5999 की प्राइसिंग पे। एंड बीबी का मतलब बूम बॉक्स है, घर वाली नहीं। तो दोनों ही स्पीकर में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं, और ज्यादा बातें हम खोल के ही बताते हैं डब्बे को। तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सब कुछ बाहर निकाल दिया, यानी कि सारा बॉक्स कंटेंट बाहर है एंड चीजें भी सिमिलर है। लाइक दोनों ही बूम बॉक्स के साथ आपको सिमिलर रिमोट, सिमिलर ही ऑक्स एंड टाइप सी केबल, माइक दोनों के साथ है, लेकिन BB50 के साथ आपको UHF वायरलेस माइक मिल रहा है। 5999 दोगे तो कुछ तो वायरलेस मिलेगा। वहीं BB25 के साथ आपको वायर्ड माइक मिल रहा है, लेकिन BB25 के साथ आपको मिलती है ये बेल्ट। तो अगर जींस की बेल्ट खोगी है तो ये बांध सकते हो, और पजामा पहनते हो तो नाड़ा बना लो। वैसे तो दिया स्पीकर के लिए, पर मल्टीपर्पज लग रहा है। बाकी दोनों के साथ वही यूजर मैनुअल एंड QR कोड वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए, दोनों के साथ ही आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। अब यहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो ये सब हटाता हूँ, सीधा इन पे आता हूँ। तो स्टार्टिंग विद बूम बॉक्स 50, तो इसे बीच में लाया जाए तो कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। फ्रंट पे मेटलिक ग्रिल, सेंटर में ब्लो पंक की ब्रांडिंग एंड ऊपर बूम बॉक्स लिखा है। IPX5 रेटिंग के साथ आता है, तो मेरे नखून छोटे हैं, नहीं खुल रहा। हम ले आए फुट्टा, आई नो स्केल बोलते हैं, फुट्टे में फील है। तो यहाँ पे ऑक्स इन, USB पोर्ट, TF कार्ड स्लॉट, तो 64GB तक का पेन ड्राइव और कार्ड चल जाएगा। टाइप सी चार्जिंग है एंड वायर्ड माइक का भी स्लॉट है, पर हम हेलो हेलो करेंगे वायरलेस वाले। इस ग्रिप हैंडल के जस्ट नीचे कुछ फिजिकल कीज, जिसमें बेस बूस्ट एंड TWS की भी है। ऑन तो कर लूं। और यहाँ पे एक लाइट का सिंबल बना हुआ है, जिसमें आपको 7 डिफरेंट RGB इफेक्ट मिलते हैं, एंड ये प्ले साइन वाला मल्टीफंक्शनल की है। अब देखो RGB लाइट का फुल उपयोग हुआ है। फ्रंट पे आपको डुअल 3 इंच के फुल रेंज स्पीकर मिलते हैं, एंड दोनों साइड आपको मिलते हैं 2-2 इंच के पैसिव रेडिएटर। इधर भी रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, ये सही है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है एंड मतलब हल्की फुल्की चीज नहीं लगती। इसमें आपको 45mAh का बड़ा बैटरी मिल रहा है, 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देगा 50% वॉल्यूम एंड RGB लाइट ऑफ पे। 12 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है, तो ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ IR बेस्ड रिमोट मिल रहा है, और ये रिमोट है फुल्ली फंक्शनल, जिसमें काफी सारे DJ इफेक्ट्स, EQ मोड जिसमें इंडोर एंड आउटडोर का सिलेक्शन है, मोड की, स्पीकर की ओवरऑल वॉल्यूम, अप एंड डाउन की, नेक्स्ट प्रीवियस प्ले पॉज, माइक के वॉल्यूम कंट्रोल, और यहाँ पे माइक के कुछ और सेटिंग्स। एंड रिमोट इज ओके, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, कौन ही जेब में लेके घूमेगा। यहाँ पे जो मोड के ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ के साथ ऑक्स, पेन ड्राइव, FM रेडियो, TF कार्ड एंड ऑब्वियसली माइक इन पोर्ट एंड एक वायरलेस माइक, यानी कि 2-2 माइक इसके साथ चल जाएंगे एक साथ। देखो कर्वी कर्वी सा है, तो पूरा बूम बॉक्स वाला फील दे रहा है। BB25 को फ्रेम में बुलाते हैं। तो सबसे पहली चीज इसके साथ है वायर्ड माइक, जिसमें ऑन ऑफ की भी है, एंड क्वालिटी इसकी ओके है, टेस्टिंग भी कर लेंगे। पहले इसको ऑन करता हूं। तो देखो यहाँ पे इसमें RGB लाइट मिल रही है। तो देखो राइट साइड पे कुछ फिजिकल कीज मिल रही है, जिसमें TWS की नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली पेयर हो जाता है। देन यहाँ पे आपको EQ एंड लाइट की एक ही की मिल रही है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो इंडोर आउटडोर मोड सिलेक्शन आ जाएगा, बाकी वही मोड एंड माइक की कीज सब सिमिलर है। कनेक्टिविटी भी सारी BB50 वाली मिलती है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है इसका रग्ड डिजाइन, वो कर्वी कर्वी है, ये थोड़ा ठोस है। अब फ्रंट पे मेटल लग रहा है, बट मेटल नहीं है, प्लास्टिक लेकिन मेटलिक फील दिया है। ऊपर इस पे भी बूम बॉक्स की ब्रांडिंग, यहाँ पे लग जाएगी वो बेल्ट जिसका नाड़ा बनाने वाले थे मल्टीपर्पज। और ये है इसका हैंडल, और यार ये काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा सॉलिड लग रहा है। एक तो इसका रग डिजाइन और थोड़ा इसका फॉर्म फैक्टर ऐसा हो गया। तो देखो अब इसमें डिफरेंसेस क्या है। ये आता है 35 वोल्ट की आउटपुट के साथ, इसमें डुअल 3 इंच के स्पीकर्स है, 3000mAh की बैटरी है, 50% वॉल्यूम पे 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजिली आता है, बाकी IPX5 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग, टर्बो वोल्ट फास्ट चार्जिंग, सब कुछ इसके अंदर है। बाकी पहले माइक की टेस्टिंग हो जाए। अरे भाई साहब यार ये काफी लाउड है, एंड क्लैरिटी 1, 2, 3, ये कुछ ऐसा फील दे रहा है कि जैसा बैंड अभी बज जाएगा। अब ये वाला और चेक कर लिया जाए, तो यहाँ पे आपको एक LED डिस्प्ले मिल रहा है विद पावर की, नीचे ड्यूरासेल की बैटरी मैंने खुद डाली है, इन्होंने नहीं दी थी। हेलो यार इसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी है, मैं इस वायर्ड वाले को अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि क्या ही होगा ये, बट दोनों ही माइक्स की आपको क्वालिटी एकदम औसम मिलती है। बाकी रिमोट के साथ आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। तो देखो अब कुछ सैंपल्स हो जाए। मैं थोड़ी थोड़ा कूला लड़ पैनी दिमाग मेरा फूला रिलैक्स की थी तुझसे कैफे मौका पीती मैं ता जमाने मीठा पाया 4 पाउच तुझसे शुगर लेती खाता रगला तू मेरी हीर मैंने दिल से मना तुझे हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे यार तेरा सुपरस्टार हो जिंदा तेरे नाल ही चलदा है मेरा तैनू भी इंतजार हो। तो देखो जो बूमबॉक्स 20
35 है, यार इसका 35 वोट काफी लाउड है, प्लस आपको बेस भी देता है एंड ये इंडोर में तो बहुत ज्यादा लाउड है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत कमी लगती है आउटडोर में जाके तो इसमें मिलता है आपको EQ, जहां पे इंडोर एंड आउटडोर मोड सेलेक्ट कर सकते हो। आउटडोर पे जो पावर है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, यानी कि लाउडनेस। ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी काफी सही है, 100% वॉल्यूम पे भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा था, लेकिन 80% के बाद बेस पे हल्का सा कंप्रेशन आता है, या फिर कह सकते हो कि 80% के बाद जो लाउडनेस है वो बढ़ती है लेकिन बेस नहीं बढ़ती। एंड ठीक है यार, एक पोर्टेबल स्पीकर के लिए जिसमें आपको इनबिल्ट बैटरी मिल रही है, छोटा सा फॉर्म फैक्टर है, वहां पे इतनी लाउड एंड क्रिस्प ऑडियो मिल जाए। अब BB50 को भी देख लिया जाए। तो देखो BB50 में आपको 50 वोट की आउटपुट मिल रही है एंड एडिशनली डुअल पैसिव रेडिएटर भी है एंड इसका जो साउंड आउटपुट है वो काफी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 35 वोट और 50 वोट दोनों रखे हैं, तो मैं सही बताऊं तो ये जस्ट डबल लग रहा है। प्लस बेस के जो पंच है वो BB50 पे बहुत हार्ड आ रहे हैं। हाँ, आई नो 2000 रुपए फालतू है तो कुछ चीजें ज्यादा ही मिलेंगी, बट ऐसा नहीं है कि BB25 में वो चीजें नहीं है, वो 35 वोट के हिसाब से जस्टिफाई करता है एंड ये 50 वोट के हिसाब से तबाही मचा रहा है। एंड BB50 का जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा क्रिस्प है और ट्रेबल का टच थोड़ा ज्यादा है, जिससे लाउडनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इसमें भी वही EQ में इंडोर एंड आउटडोर मोड मिल रहा है, तो आउटडोर में थोड़ी लाउडनेस और बढ़ जाती है। बाकी बेस बूस्ट मोड ऑन करते ही वोकल्स पे हल्का कंप्रेशन आता है लेकिन बेस बढ़ जाती है, बट मुझे बिना बेस बूस्ट के ही मस्त लग रहा है। अब देखो इसके रिमोट पे कुछ DJ इफेक्ट्स दिए हैं, ट्राई करें। तालियां, ज्यादा तालियां, सीटी मारता है चाटा, कुछ इस टाइप के DJ इफेक्ट्स दिए हैं। आई डोंट थिंक सो कोई इनको यूज करेगा, बट दिए हैं तो बता दिए, कभी तो खेल ही लोगे। दोनों में सेम ही चीजें हैं सारी, फॉर्म फैक्टर, आउटपुट और बैटरी का फर्क है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग ब्लोपंक एटॉमिक सीरीज, जिसमें BB25 एंड BB50 के बारे में मैंने आपको बता दिया एंड इनके जो परचेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना, इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर लेना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।